नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पटना नगर निगम चुनाव के नतीजों पर जहां सबकी नजर टिकी है तो वहीं सीता साहू लगातार बढ़त की ओर बढ़ रही हैं और ये बढ़त अब ज्यादा होने लगा है। देखिए, पिछले अगर वीडियो की हम बात कर लेते हैं, पिछले नतीजों रुझानों की बात कर लेते हैं, तो सीता साहू शुरू से ही, अगर एक दो राउंड की बात छोड़ दें, उसके बाद जब तमाम नतीजे और रुझान सामने आ रहे थे तो सीता साहू उसी समय से लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि वोटों की गिनती चल रही है, कई राउंड की गिनती अभी होनी बाकी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर देखिए निकलकर सामने आ रही है। सीता साहू जो कि अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 18,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब समझिए, अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर मजहबी से वो आगे चल रही हैं। और अगर विस्तार से बात करें तो सीता साहू को अब तक 51,484 वोट मिले हैं, तो वहीं अफजल इमाम यानी कि डॉक्टर मजहबी को 32,955 वोट मिले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो विनीता बिट्टू सिंह, इन्हें 23,937 वोट मिले हैं, जबकि माला सिन्हा को 8,978 वोट मिले हैं। और जिस मार्जिन की हम बात कर रहे थे, जो मार्जिन बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, वो मार्जिन अब बढ़कर कितना हुआ है ये भी जान लीजिए। दरअसल सीता साहू अब अपने प्रतिद्वंदी जो है डॉक्टर महजबी से 18,489 वोटों से आगे चल रही हैं, तो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब 9,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से सीता साहू आगे चल रही थी। देखिए, ये रुझान है, कहा जा रहा है कि पटना में अब जो है वोटों की गिनती कुछ देर तक चलेगी और तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी कई जगहों के मतपेटियां खुलनी बाकी हैं और कई जगहों के वोटों की गिनती बाकी है। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि हम अभी नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं, नतीजा क्या होगा यह इंतजार करने की बात है, और कौन आगे निकलेगा कौन पीछे रह जाएगा यह भी इंतजार का विषय है। लेकिन अब हम अगली अगर बात करें, पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर पद पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन आगे और कौन पीछे, कौन सबसे पहले नंबर पर चल रहा है, कौन दूसरे नंबर पर, यह भी जान लीजिए। दरअसल रेशमी जो है डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशी हैं, ये फिलहाल आगे चल रही हैं। इनके वोट की अगर हम बात करें तो 1,16,324 वोट रेशमी को प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर इनके निकटतम प्रतिद्वंदी की बात कर लेते हैं तो अंजना गांधी जो हैं 1,07,38 मतों से आगे चल रही हैं। और ये आंकड़ा जो है डिप्टी मेयर की हम बात कर रहे हैं, डिप्टी मेयर कैंडिडेट्स के बीच में जो आंकड़ा फासला चल रहा है वोटों का, हार और जीत का जो फासला है अभी के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से, तो 5,586 वोटों से है रेशमी आगे चल रही है अंजना गांधी से। तो पटना नगर निगम के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, कौन होगा पटना का मेयर, कौन होगा पटना का डिप्टी मेयर, ये अभी तय होना बाकी है। हार और जीत के फैसले अभी नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ा अपडेट और बड़ी तस्वीर निकल कर आई है इस वोट काउंटिंग के दौरान। पटना में सीता साहू जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगातार बढ़त बनाए हुई हैं, और अब ये बढ़त जो है 18,000 से ऊपर हो चुका है, 18,489 यानी कि 18,489 वोट्स जो हैं, इतने वोट्स का अंतर है, इतने वोटों से सीता साहू आगे चल रही हैं। तो अब देखना है, इंतजार करना है कि आने वाले कुछ घंटे किसके पक्ष में जाते हैं, आने वाले कुछ घंटों में जब मतों की पेटियां खुलती हैं और भी गिनती जारी होती है तो और कौन जीतता है, कौन ज्यादा आगे और कौन ज्यादा पीछे होता है, और अंततः जीत किसकी होती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।